अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इरम्स बरकत किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आज हम आपको बथुए का रायता और बथुए की कचौरी की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। बथुए की कचौरी बनाने के लिए ये हमने 1 किलो बथुआ लिया है। इसकी पत्तियों को हमने तोड़ लिया है और खूब अच्छी तरह से इसे भिगो कर धो लिया है। इस 1 किलो बथुए में हम बथुए की कचौरी भी बनाएंगे और बथुए का रायता भी बनाएंगे। पहले हम आपको बथुए की कचौरी की रेसिपी बता देते हैं। बथुए की कचौरी बनाने के लिए पहले हमें सारे बथुए को एक प्रेशर कुकर के अंदर डालना है। एक विसल लगा दी है हमने बथुए के अंदर। बथुआ अच्छी तरह से गल गया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद हम आटे के साथ मिक्स कर गूंदेंगे। बथुआ ठंडा हो चुका है, अब हमें इसे हाथों से या किसी स्पून की हेल्प से खूब अच्छी तरह से मैश कर लेना है। खूब अच्छी तरह से मैश हो जाना चाहिए बथुआ। हाथ से या आप चाहें तो मिक्सी के अंदर भी कर सकते हैं, हम हाथ से ही कर रहे हैं। खूब अच्छी तरह से इसे मैश कर दें। ये देखिए, बथुए को हमने खूब अच्छी तरह से हाथों से ही मैश कर दिया है। अब हमें आटा गूंदने की तैयारी शुरू करनी है। कचौरियों का आटा गूंदना है हमें, तो ये हमने आटा ले लिया है और इसके अंदर हम ये सारे बथुए में से थोड़ा बथुआ रायते के लिए रोकेंगे और बाकी का आटे के अंदर में मिक्स कर देंगे। बथुए के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था, जो हमने गलाया था, वो भी हम आटे को गूंदने में ही यूज करेंगे। हमें थोड़ा टाइट आटा गूंदना है कचौरी का। पहले हमें ये सारे बथुए को आटे में अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है, अभी पानी का यूज नहीं करना है। अब हम इसके अंदर ये 2 टीस्पून सॉल्ट लिया है हमने, इसे ऐड कर रहे हैं। 1/4 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। बहुत अच्छी तरह से हमें सारे बथुए को आटे के अंदर मिक्स करना है। सारे आटे का एक टाइट सा डो बना लेना है हमें। अभी हमने पानी यूज नहीं किया है, थोड़ा सा पानी अब हम यूज करेंगे। 1 ग्लास वाटर ले रहे हैं। आटे का एक टाइट सा डो बन गया है, अब हमें इसे पानी से नहीं गूंदना। अब हम मस्टर्ड ऑयल यूज करेंगे इसको थोड़ा गूंदने में। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आटा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गूंद गया है। इसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल लगा दें।
और इसे रेस्ट पर रख दें। देखिए फ्रेंड्स, कचौरी का आटा, ये बथुए का आटा जो है, ये हमारा खूब अच्छी तरह से सेट हो गया है। और आपको इसके अंदर ये बथुए के लीव्स दिखाई दे रही हैं, ये इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि हमने इन्हें इसे हाथ से मैश किया है। अगर आप मिक्सी में या सिल्वर करोगे तो वो बहुत ज्यादा बारीक हो जाएगा और फिर ये टेक्सचर नहीं दिखाई देगा। तो ज्यादा बेटर यही है कि आप हाथ से ही मैश करें इसे, तो इसका बहुत अच्छा लुक आएगा कचौरी का भी और रायते का भी। बथुए का रायता बनाने के लिए ये हमने 250 ग्राम दही लिया है और ये 1 टीस्पून हमने लहसुन की चटनी के लिए है। लहसुन की चटनी बनाने के लिए आपको 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। ये हमने गार्लिक लिया है, लहसुन, ये हमने पूरा 1 लहसुन लिया है, और 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 साबुत लाल मिर्च लिए हैं हमने, और सॉल्ट लिया है। इन सबको मिक्स करके हमें मिक्सी के जार में पीस लेना है, तो फिर ये आपकी लहसुन की चटनी तैयार हो जाएगी। इसी पिसी हुई लहसुन की चटनी के आपको 1 टीस्पून, या अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप 2 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून लहसुन की चटनी डालकर दही के अंदर खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हाफ टी स्पून काला नमक डाल रहे हैं हम, इसे भी अच्छी तरह से दही के अंदर मिक्स कर दें। रायते को हमने खूब अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर भगाड़ लगाएंगे। 1 टीस्पून जीरे को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। एक छोटे से पैन के अंदर हमने 1 टीस्पून ऑयल डाला है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर रहे हैं, इसे हमें गोल्डन कर लेना है। जीरा गोल्डन हो गया है, अब हम इसे रायते के अंदर डाल देंगे। रायता हमारा बिल्कुल तैयार है बनकर, आटा हमारा सेट हो चुका है। अब हम कचौरी बनाना शुरू करते हैं। इस डो के अंदर से छोटा छोटा आटा इस तरह से तोड़ लेना है और छोटा छोटा पेड़ा बनाएंगे हम। ये देखें, इस तरह से हमें सारे पेड़े बना लेने हैं। इस तरह से एक और पेड़ा ले और छोटे छोटे हमें इस तरह से पेड़े बना लेने हैं। सारे पेड़े इसी तरह से बनाए। अब थोड़ा सा ऑयल लगाना है हमें और फिर पूरी को बेलना शुरू करना है। इस तरह से गोल गोल पूरी को हमें बेल लेना है। ऑयल को हमने गर्म करने रख दिया है। ऑयल गरम हो जाए तो हम पूरी डालना शुरू करेंगे। एक एक करके हमें पैन के अंदर पूरी डालनी शुरू करनी है। इस तरह से हमें पूरी को बेलना है थोड़ा दबाते हुए, उससे आपकी पूरी बहुत अच्छे से खुलेगी भी। अच्छी तरह से सेक ले पूरी को दोनों साइड से। ये देखें, बहुत बढ़िया हमारी एक पूरी बन गई है। इसी तरह से हमें सारी पूरियां बना लेनी है। एक पूरी और हम आपको बता देते हैं बनाकर। अब हमें दूसरा पेड़ा लेना है, उसे थोड़ा प्रेस कर लेना है इस तरह।
देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी हमारी बथुए की कचौरियाँ और बथुए का रायता बनकर तैयार हुआ है। आप भी जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी जरूर पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज।